नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। हरदोई के बिलग्राम इलाके में पिकअप और रोडवेज बस की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई, जबकि बस ड्राइवर समेत 3 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे में पिकअप चालक को 3 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। हादसा इतना भयंकर था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और पिकअप चालक वाहन में ही फंस गया। आज सुबह बिलग्राम रोड पे कन्नौज से आती हुई एक रोडवेज की बस और इधर से जो एक मेटाडोर जा रही थी उनकी आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें वहाँ एक हादसा हुआ और उस हादसे में एक जो मेटाडोर ड्राइवर था उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। पुलिस ने तत्काल पहुँच करके बाकी लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल है रोडवेज का और बाकी जो भी लोग थे वो सुरक्षित हैं। घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवा दिया गया है और बाकी उसमें अधीन कार्रवाई कराई गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना दौलाना क्षेत्र के कंदोला गांव के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू तेज रफ्तार कैंटर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो में बैठे 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए, जबकि मासूम सहित 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। कैंटर चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। एक ऐसा ही है, उनके द्वारा 5 घायल व्यक्तियों को एक्सीडेंट के उपरांत अस्पताल में लाया गया है। इन 5 में एक जो बच्ची है, 2 बच्चे हैं और बाकी 3 वयस्क व्यक्ति हैं, जिनमें एक महिला है। और इसमें जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे की हालत थोड़ी गंभीर है, उसको हेड इंजरी की शक है, जिसके लिए प्राथमिक उपचार के उपरांत उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी के जो 4 मरीज हैं उनको भी कुछ गंभीर चोटें आई हैं और एक्सरे के लिए और ऑर्थोपेडिक्स मैनेजमेंट के लिए उनको हायर सेंटर के लिए प्राथमिक उपचार के उपरांत रेफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भूले हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिलाया। बच्चा सुबह अपने माता पिता के साथ मेला देखने आया था। मेले में साथ छूट जाने के कारण बच्चा गुम हो गया। कार्तिक पूर्णिमा में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का निशुल्क कैंप लगाया गया था। इसी कैंप में ये बच्चा पहुंचा। घंटों खोजबीन के बाद बच्चे के माता पिता का पता चल पाया। मंत्री आनंद स्वरूप ने गिफ्ट के साथ बच्चे को परिजनों को सौंपा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए विभिन्न जनपदों से स्नानार्थी आते हैं। उसी में गुरु मंदिर के सामने हम सभी का सेवा शिविर लगा था। प्रातः 3 बजे से 4 बजे के बीच में यह बालक रोता हुआ हमारे कैंप में आया और तब से हम लोगों ने प्रयास किया कि उनके परिजनों तक उनको पहुंचाया जाए। बड़े प्रयास के बाद जहां जहां बालक ने बताया वहां वहां हमारे सहयोगी लेकर गए भी, लेकिन अंत में फिर सूचना होते होते शाम को 3 बजे के बाद, मतलब 12 घंटे के बाद उनके माँ बाप आए। बलिया में अनियंत्रित कमांडर जीप ने 42 वर्षीय अधेड़ को रौंद दिया, जिसके बाद घायल व्यक्ति को आसपास के लोगों ने नरही सामुदायिक केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से जीप चालक फरार हो गया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले में जांच कर रही है। बाराबंकी जिले में डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खंड 3 के डॉक्टर अनिल कुमार कन्नौजिया के सख्त निर्देश के बाद जीएसटी भवन की तस्वीर बदल गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वच्छता अभियान में बाराबंकी जिले का जीएसटी भवन वाणिज्य कर इन दिनों साफ सफाई के मामले में सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये भवन चमक रहा है। इसमें सभी जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं सभी को निर्देश दे दिए गए हैं, उनको समझाया गया, जागरूक किया गया कि यहाँ पे किसी भी तरह का पान खाए काले में ना बैठें, गंदगी ना फैलाएं। आप देख सकते हैं यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है और लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा है इसका। जो आगंतुक आते हैं उनको भी इस बारे में बताया जा चुका है, तो सफाई व्यवस्था देख सकते हैं साफ सुथरी है यहाँ। हरदोई में बुधवार की देर शाम को 2 सड़क हादसे हो गए। इनमें एक हादसे में 6 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे सड़क हादसे में सास बहू की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहला हादसा कोतवाली देहात के पोखरी तिराह के पास हुआ। यहाँ पर ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार सास बहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा कछौना कोतवाली के हरदासपुर के निकट हुआ। हरदोई जिला पंचायत कार्यालय से वापस आ रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, तो वहीं बीच रास्ते में मैं गरीब साहब से पर मेरी स्पीड होगी, मैं ड्राइव कर रहा था, एक कार उधर से आती डिजायर
वो अपने वो 80-90-100 स्पीड से होगी, वो अपना छोड़ के इधर बिल्कुल इस रॉन्ग साइड आके इधर बढ़ती फिर उधर चली जाती है हमारे। ये हादसा जहाँ तक हमारे 108 के पायलट ने बताया है, ये रैसो मोड़ के आसपास आमने सामने से दो गाड़ियाँ भिड़ी हैं और एक मोटरसाइकिल, तीन गाड़ियाँ टोटल भिड़ी हैं। तो हमारे पास जो है घायल जो है करीब टोटल 6 लोग आए हैं, जिनमें से 2 तो अननोन हैं, जिनके साथ उनकी खुद की हालत भी ख़राब है, अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं। ये थाना कसौना क्षेत्र में जो हाईवे है वहाँ पर जो है एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक एक्सीडेंट गाड़ी जो है एक सामने से आती हुई जो गाड़ी थी उससे टकरा गई, उसी में जो है 2 मोटरसाइकिल सवार भी आ गए चपेट में, जिनकी मौके पर मृत्यु हो गई। तथा जो गाड़ी लखनऊ से आ रही थी उसमें एक बच्चा था, उसकी भी मृत्यु हो गई है। करीब 4 लोग घायल हैं, जिनको जो है संडीला अस्पताल रेफर किया गया है। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।